अच्छा बोर्ड दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने कैपेसिटर स्टार्ट किया था राइट? ठीक है, एक सेकंड दो बस, अपन एक मिनट वेट कर लेते हैं, और कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आई थिंक सब लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, बस एक मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, तो अपन जो है वो कैपेसिटर की बात कर रहे थे। कैपेसिटर क्या होता है, क्या नहीं होता है? सॉरी, जैसे अपन ने दो कंडक्टर ले लिए और इन कंडक्टर्स को अपने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दे दिया। अब दो कंडक्टर क्यों लेते हैं, ऑपोजिट चार्ज क्यों लेते हैं? ये जैसे जैसे अपन धीरे धीरे कैपेसिटर पढ़ते जाएंगे, आज के लेक्चर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी अपने को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देते जाओ, आगे जो है इन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे अभी इसी लेक्चर में मिल जाएंगे कि दो प्लेट्स पास पास में क्यों रखते हैं, ऑपोजिट चार्ज क्यों लेते हैं। अब अगर चार्ज यहाँ पे क्यों है, तो इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इससे भी नेगेटिव है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों कंडक्टर की वजह से ऐसी होगी। अब अगर मैंने इस दोनों को चार्ज दे दिया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दैट मींस अगर चार्ज दोगे तो इन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट है तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ रखा है कि V अपॉन D जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा है सबने? अरे बोलो। ठीक है, तो Q जो है वो चार्ज गिवन टू कंडक्टर है और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था डेफिनेशन वाइज कि कैपेसिटेंस इन द सेंस कैपेसिटर होता है कि एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस। कैपेसिटेंस का मतलब कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, उस कैपेसिटी कितनी है, उस स्ट्रेंथ को अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे अपने पास वाटर टैंक है तो वाटर टैंक तो क्या हो गया, डिवाइस हो गया। लेकिन अपन क्या सारे वाटर टैंक सेम है क्या, ऐसे तो नहीं बोलते अपन। अपन बोलते हैं ना कि ये टैंक 500 लीटर का है, ये टैंक 1000 लीटर का है, ये टैंक 100 लीटर का है। तो ये 100 लीटर 2000 लीटर ये क्या बता रहे हैं अपन, स्ट्रेंथ बता रहे हैं कितना वाटर स्टोर कर सकता है। तो इसी स्ट्रेंथ को कैपेसिटी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी किसकी, उसका जो काम होगा उसी की कैपेसिटी, यानी वो एनर्जी स्टोर करता है तो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। तुमको लॉजिकली बताओ कि मैं जितना ज्यादा चार्ज दूंगा इन प्लेट्स को जितना चार्ज ज्यादा दूंगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा? यस सर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा? यस सर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्यू गिवन टू कंडक्टर्स is directly proportional to potential difference, और conductor है तो potential difference surface की होगा, surface की बात कर रहे हैं obviously, मत अंदर तो charge है ही। तो जितना ज्यादा charge दोगे उतना ही potential difference ज्यादा होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है, ये जो अपन ने लाइन लिखी? Yes sir। और अगर proportionality का sign हटाओगे तो Q इक्वल टू C इंटू V होता है, और इसी C को अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसी C को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की मैथमेटिकली अगर कभी भी वैल्यू निकालनी है तो Q इक्वल टू C की फॉर्मूला ध्यान रखना है, या C की वैल्यू Q अपॉन V ध्यान रखनी है। अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, क्या जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस सी, क्या ये कैपेसिटेंस सी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा क्या? Yes. क्या कैपेसिटेंस सी चार्ज एंड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा क्या? Yes, sir. नहीं करेगा। कैपेसिटेंस सी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसको फेस लॉजिकल है, तो सिंपल लॉजिक से बताओ मेरे को। देखो ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था वाटर टैंक का, तो अपने पास कोई वाटर टैंक है, जैसे मैंने 500 लीटर का वाटर टैंक लिया है, घर पे लेके आ गए। अब अगर मैं उसके अंदर पानी ज्यादा भर दूं या पानी कम भर दूं तो क्या उसकी कैपेसिटी कम ज्यादा होती जाएगी क्या?
नो सर नहीं अरे भाई सिंपल सी बात है 500 लीटर का टैंक है उसके अंदर तुमने 200 लीटर अगर पानी भरा है यानी उसकी कैपेसिटी से कम भरा है तो क्या उसकी कैपेसिटी 200 लीटर ही है नहीं सर कैपेसिटी तो अब सोच अब लॉजिकली सोच के बताओ कि चार्ज का मतलब क्या है यही तो है कि उसी के कितना उसको चार्ज दे रहे हो मतलब कितना उसको पानी दे रहे हो टैंक के अंदर तो क्या चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा नहीं सर ये और वैसे भी समझ में आना चाहिए ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये तो सी जो है वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है क्यू और बी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है यानी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सी जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या सर प्लेट के डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा ना फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी ऐसा बोल रहे हो यस सर हाँ अभी अपन वही बात करने वाले हैं डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस कि कैपेसिटेंस कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार बहुत सिंपल सी क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं अपन गलती जो है वो सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर करते हैं फिजिक्स के अंदर अपने को लगता है कि हाँ ये तो आसान है तुरंत हो जाएगा और अपन उन क्वेश्चन को ड्रॉप भी नहीं करते हैं टिक लगा ही देते हैं तो इनको थोड़ा अच्छे से समझना बाकी मैथमेटिकल चीजें तो अपन कर ही लेंगे सबसे पहले डिपेंडेंसी है presence of another conductor presence of another conductor अच्छा ये जो अपन बातें कर रहे थे क्यों given to conductors is directly proportional to delta v surface ये for isolated conductor आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है एक ही अकेला ही कंडक्टर है मतलब ये इतना ही सिस्टम है अपने पास और कोई सिस्टम नहीं है लेकिन अगर दूसरा कंडक्टर होगा तो उस केस में उसकी कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है ज्यादा होगी या कम होगी इसको भी समझ लेते हैं सपोज मेरे पास ये कोई जैसे ए देखता हूं ये कोई मेरे पास कैपेसिटर है इस पे चार्ज क्यू है और इसका पोटेंशियल वी है तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई क्यू अपॉन वी सिंपल इस पे चार्ज क्यू है पोटेंशियल वी है तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई क्यू अपॉन वी ऐसे कैसे अब मैं क्या करता हूं दो प्लेट्स ले लेता हूं मतलब दो कंडक्टर ले लेता हूं अब मैंने तुमने दो कंडक्टर ले लिए और एक तो जो है पॉजिटिवली चार्ज है इसी यही कंडक्टर लेता हूं और पास में एक मैं दूसरा कंडक्टर रख देता हूं न्यूट्रल कंडक्टर रख देता हूं तो एक तो ये है इसे जिसपे चार्ज क्यों है इस पे चार्ज क्यू है एक ये जो है वो न्यूट्रल कंडक्टर यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज तुम कुछ लॉजिकली सोचो क्या इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को मैं इस न्यूट्रल के पास न्यूट्रल का मतलब क्या है इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है तो क्या न्यूट्रल वाले कंडक्टर से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे अरे तो ये तुमने पोलराइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा सबसे स्टार्टिंग के अंदर न्यूट्रल चार्ज कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल कोई भी एलिमेंट
या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास में रखोगे तो चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब ऑपोजिट चार्ज उसी तरफ पोलराइज हो जाता है, एक तरफ प्लस आ जाता है एक तरफ माइनस आ जाता है। तो ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को रिपेल करके दूर फेंक देगा। क्या ऐसे पोलराइजेशन हो जाएगा? हाँ सर। और अगर पोलराइजेशन हो गया तो अब तुम खुद लॉजिकली सोचो कि यहां पे अब इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, मेरे को आराम से सोचिए बताओ कि v से कम होगा या v से ज्यादा होगा? सर वी रहेगा ना। अच्छा वी रहेगा, कम होगा सर। कम कैसे सर? क्योंकि उधर भी तो क्या, तो वी माइनस वी वन आएगा ना। देखो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए अपने को। देखो इस पे चार्ज लेट से कि क्यू वन था, इस पे जितना भी चार्ज है क्यू मान लेता हूँ, क्यू था, इस पे अपने को नहीं पता कुछ चार्ज था, इधर कुछ चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो अब कोई भी दो, अब अपने पास टोटल मिला के तीन चार्ज है, टोटल थ्री चार्जेस डेंसिटी है, तो इन दोनों की वजह से इसका खुद का पोटेंशियल तो होगा इसी, प्लस इन दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा और वो नेगेटिव होगा। दो एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है क्या? यस सर। और क्यू को अपन पोटेंशियल के अंदर विद साइन लेते हैं, तो देखो इसका पोटेंशियल वी तो होगा ही सही। अब वी डैश कितना होगा, वी तो खुद का पोटेंशियल था माइनस इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से वी ऑफ, मैं ऐसा लिख लेता हूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि के क्यू अपॉन आर होगा प्लस, अब दोनों पॉजिटिव है तो साइन प्लस आएगा, वी ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब मेरे को सोच के बताओ कि ये वैल्यू ज्यादा है या फिर ये वैल्यू ज्यादा है? अरे लॉजिकली सोच के देखो ना यार, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर है ना, क्यू वन क्यू टू दोनों के अंदर सेम है ना भाई, ये चार्ज सेम, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो क्यू वन क्यू टू सेम है ना। अरे बोलो। यस सर। अलग क्या है डिस्टेंस, कि नेगेटिव नजदीक आ गया पॉजिटिव दूर चला गया, यानी नेगेटिव वाली वैल्यू के अंदर के क्यू अपॉन आर आर कम हो गया, यानी ये वैल्यू ज्यादा हो गई क्या? यस सर। यानी वी प्लस माइनस का मोड इज ग्रेटर देन वी प्लस प्लस का मोड। यस सर। इसका मतलब v डैश क्या लेस देन v हो गया, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब टोटल वैल्यू v से कम आएगी। यस सर। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है ना, हमेशा 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 के लिए फिजिक्स के अंदर ध्यान रखो, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है उसके पास अगर न्यूट्रल पार्टिकल रखोगे तो चार्ज के पोलराइजेशन की वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो इसके लिए सीडेस Q upon V potential, तो Q upon V dash, तो क्या C dash तो है वो ज्यादा हो जाएगी C से, मतलब capacitance बढ़ जाएगी क्या? अरे बोलो।
अरे समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यानी अब तुम्हें समझ में आया होगा कि अपन दो प्लेट्स क्यों लेते हैं। दो प्लेट्स लेने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसलिए अपन मैंने एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में लिया था, वो दो प्लेट्स का लिया था, एक प्लेट का नहीं लिया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पैर, हाँ बोलो। Nothing, sir. क्या क्लियर है ना सब? हाँ सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस के अंदर पहला पॉइंट अपने को मिल गया कि अगर कोई भी चार्ज कैपेसिटर के पास में कोई भी न्यूट्रल कैपेसिटर अगर रखोगे तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाती है। अच्छा मैं रफ कर दूं क्या इधर, ये स्टार्टिंग में जो लिखा था? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट मिल गया अपने को कि इन प्रेजेंस ऑफ या फिर ऐसे लिख लेता हूं कि व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर प्लेस्ड near neutral conductor then capacitance increases. तो पहली डिपेंडेंसी आ गई प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। सेकेंड डिपेंडेंसी है ऑन मीडियम, और मीडियम की बजाय ज्यादा अच्छा है मैं ये बोल दूं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर जैसे दो प्लेट्स के बीच में तुमने एक बार तो एयर लिया, एक बार अगर कोई और मीडियम लोगे तो कैपेसिटेंस डिफरेंट आएगा। इसको अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे समझ सकते हो तुम कुछ सोचो कि अगर एयर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के तो आएगा ही सही, तो जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था कुछ भी मान लो। अभी अपन उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे, कि आगे अपन पढ़ेंगे जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे तब मैं वहां पे डिटेल बता दूंगा। अभी सिर्फ समझ लो कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कैसे का। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या होता है 1/4 pi epsilon naught into epsilon r, तो एयर के लिए तो एप्सिलॉन r 1 होता है, लेकिन बाकी के लिए ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज अपन k बोल देते हैं। इस चैप्टर में अपन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल k से लिखेंगे। फिजिक्स में तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी लिखा होगा आई थिंक। Yes, sir. तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे के आ गया, यानी ये के क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन के हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के अंदर अगर ई है तो मीडियम फिल करने से जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन के हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या मैं ये तो इस कंक्लूड कर सकता हूँ कितना चेंज हुआ आपने नहीं पता, लेकिन ये तो कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करना चाहिए। सर बट कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट बोला ना आपने, क्या हुआ सर? आपने बोला अभी कि अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा तो फिर पोटेंशियल चेंज होगा, उसके से कैपेसिटेंस चेंज होगा, लेकिन आपने तो बताया था कि कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है तो चेंज कैसे होगा? हाँ कांस्टेंट है, सही बात। अरे समझो ऐसे वाप, हाँ डाउट, अच्छा डाउट है काफी लोगों को आ रहा होगा, मैं वापस से बता देता हूँ। देखो जैसे अपने कहने का मतलब ये है, जैसे ये अपन जो डिपेंडेंसी पता कर रहे हैं ये दो अलग अलग कैपेसिटर की पता कर रहे हैं। मतलब एक कैपेसिटर अपने पास कुछ एक्स है, एक दूसरे कैपेसिटर वाई है,
दोनों की कैपेसिटेंस फिक्स है, लेकिन ज्यादा किसकी है और कम किसकी है ये पता करना चाह रहे हैं अपन। जैसे एक के अंदर बीच में एयर भरा हुई है, मीडियम एयर है, एक के अंदर ऑयल भरा हुआ है, तो कैपेसिटेंस ज्यादा किसकी है ये अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस इस पे डिपेंड करनी चाहिए, उसकी तो फिक्स है। समझ में आ रही बात? अरे बोलो। यस यस सर। समझे कि नहीं समझे? देखो ऐसे यस सर नहीं बोलना है, समझ गए क्या? हाँ सर। पक्का समझ गए? मतलब ऐसे बोल रहे हैं अपन, मतलब टंकी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपन, वाटर टैंक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब तो टंकी की एक बार हाइट फिक्स हो गई, लेंथ फिक्स हो गई, विड्थ फिक्स हो गई, उसके बाद तो उसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो गई। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दो अलग अलग जैसे वाटर टैंक है, तो अगर उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई हाइट जिसकी ज्यादा है उसकी वाटर, उसमें वाटर ज्यादा आएगा, यानी हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली एक बार बन गया उसके बाद तो फिक्स है, लेकिन अपन दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझा अभी। ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंड करना चाहिए, अगर मीडियम डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो कैपेसिटेंस भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। उसके बाद थर्ड डिपेंडेंसी है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करना चाहिए। प्लेट्स तुमने कितने बड़े ली है, प्लेट्स का एरिया कितना है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? अब ये तीनों पॉइंट्स की एग्जैक्ट मैथमेटिकली कैसे डिपेंड करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन शेप और साइज साइज में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों डिपेंड कर रहा है। अरे बोलो। नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स में कैपेसिटेंस कौन कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसको रफ कर दूं मैं? यस सर। अच्छा एक और ध्यान रखनी है, एक और चीज ध्यान रखनी है, क्यू इक्वल टू सी भी पढ़ा था अपन ने, इसके अंदर ये लिख लेना जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ सी क्या होगी बताओ? फैराडे। अरे ऐसा यूनिट, अभी ये सिंपल यूनिट के अंदर बताओ, फैराडे तो बाद में लिखेंगे अपन। कूलम अपॉन ये क्या है? क्यू अपॉन वी, तो कूलम अपॉन वोल्ट हो गया क्या? अरे कूलम अपॉन वोल्ट हो गया ना? यस सर। और कूलम अपॉन वोल्ट को ही अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Faraday, F-A-R-A-D, Faraday. तो 1 Farad equal to क्या हो गया? 1 Coulomb per volt. अच्छा, capacitance, ये जो unit है ना, 1 Coulomb per volt, या 1 Farad, वो बहुत बड़ी unit है, बहुत बड़ा capacitor होता है, 1 Coulomb capacitance बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए जनरली अपन जो है वो छोटी यूनिट यूज करते हैं, स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फेरेड हो गया, नैनो फेरेड हो गया, या पिको फेरेड हो गया, तो इन सब की वैल्यूज पता है ना सबको कि माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड, इनकी वैल्यूज कितनी होती है? यस सर। किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि माइक्रो फेरेड की वैल्यू कितनी होती है बताओ। 10^-6 और पिको फेरेड -12 कितना? किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर माइक्रो फेरेड लिखा हुआ है -12 फेरेड है, अगर नैनो फेरेड लिखा हुआ है यानी 10^-9 फेरेड है, अगर पिको फेरेड लिखा हुआ है मतलब 10^-12 फेरेड है। तो ये अपने यूनिट्स ध्यान रखनी है छोटी छोटी सी। अपन जनरली इस चैप्टर के अंदर या प्रैक्टिकली
छोटी यूनिट सी यूज करते हैं क्योंकि 1 फेरेड तो बहुत बड़ी यूनिट है सर। हाँ बोलो सर, प्लेट के डिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं करेगा क्या कैपेसिटेंस? बोल, बता तो दिया शेप एंड साइज। ओके सर, समझे समझे, उसमें एग्जैक्ट किस टाइप से, मतलब कितने डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कैसे डिपेंड करेगा, वो अपन मैथमेटिकली निकालेंगे तब मैं और बता दूंगा, लेकिन अभी शेप एंड साइज में आ गया ना ये सर। यस सर, ठीक है सर। ओके, तो इनमें कोई डाउट नहीं, मैं सॉल्व कर दूं क्या? यस सर। साइज का मतलब वही हो गया कि प्लेट्स क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितने, प्लेट्स कितनी बड़ी है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। चलो ये सारी बातें हो गई, अब अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स को पढ़ते हैं, अलग अलग शेप के कैपेसिटर लेते हैं और उनकी वजह से कैपेसिटेंस कितना आता है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान सा जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर है वो है अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा उससे पहले कोई तुमसे अगर पूछ ले जैसे कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो वो तो बहुत सिंपल है, वो तो अपने वाले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे ध्यान रखना है। या चलो लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ capacitance of spherical capacitor, simple type का एक ही spherical है, उसका अगर capacitor बनाओ तो उसकी capacitance कितनी होगी, ठीक है? या स्पेरिकल कैपेसिटर बोलना ज्यादा सही नहीं, स्पेरिकल कंडक्टर बोल देता हूं, वो ज्यादा आसान है क्योंकि आगे अपन स्पेरिकल कैपेसिटर को अलग से पढ़ेंगे। स्पेरिकल कैपेसिटर के अंदर दो स्पेयर यूज करते हैं अपन, यहां पे अपन एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर है इसका मतलब चार्ज, जैसे इसको अगर तुमने Q चार्ज दिया, इसकी रेडियस अगर R है और इसको Q चार्ज दिया तो चार्ज ओनली फॉर इसकी सरफेस भी होगा, कंडक्टर के अंदर तो अपने को पता चार्ज होता नहीं है। यस सर, सही बात है ना? हाँ सर। तो बताओ इसकी सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस, इसकी सरफेस पे चार्ज Q है और इसकी रेडियस अगर R है तो वोल्टेज कितना होता है सरफेस पे, वोल्टेज ये भी आइसोलेटेड कंडक्टर ही है, ठीक है ना? मतलब कोई और डिस्टरबेंस नहीं है, तो डेल्टा भी सरफेस कितना होगा बताओ? के क्यू बाय आर। ऐसे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया और ऐसे क्या चुपचाप बैठे हो, सबको बताना चाहिए। तो के क्यू अपॉन आर, तो डेल्टा भी आ गया तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो कैपेसिटेंस आ गया क्यू अपॉन वी कितना है, के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, के क्यू अपॉन आर, ठीक है? तो ये आ गया क्यू से क्यू कैंसिल हो गया यानी आर अपॉन क्यू के, और k की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो ये क्या कैपेसिटेंस 4πε0 into r आ गया।
यस सर। और पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा एक चीज तो यहीं पे प्रूव हो गई जो अभी अपन बात कर रहे थे कि इन डिफरेंट मीडियम, जैसे अगर इसी कंडक्टर को अगर मैं किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तो कैपेसिटेंस ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के लिख लेता हूं मैं, तो सीधे सी नॉर्मल बताऊं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल आर, एप्सिलॉन आर लेट्स से के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हो, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से लेंगे, तो सीडीएस कितना आ गया, सीडीएस आ गया, ये सब तो क्या है पुरानी वाली कैपेसिटेंस है, तो क्या के इंटू सी आ गया, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले एयर का वन होता है और बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर टू हो गया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, कोइल हो गया और कुछ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया तो कुछ और कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, तो पहला चीज तो प्रूव हो गई जो अपन ने तीन पॉइंट्स पढ़े थे, एक तो अपन ने वहीं पे प्रूव कर लिया था, दो अपन ने पढ़ा था कि एक सेफ साइज पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती, तो एक बार तुमने मीडियम कुछ अलग रखा और दूसरी बार अलग रखा तो उसका कैपेसिटेंस डिफरेंट आएगा। एक चीज यहां से प्रूव हो गई किसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की, मतलब अगर मैं बड़ा कंडक्टर लूंगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इससे मतलब जो है साइज पे भी डिपेंड करना चाहिए। यस सर। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लें इसपे बेस्ड। यस सर। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, या फिर अपना एग्जांपल एक बार साथ में ही करते हैं, बीच में कंफ्यूजन रहेगा, एक बार थोड़ी सी बची है बस पैडल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना एग्जांपल साथ में करेंगे, अभी ड्रॉप कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं। तो अपन वन बाय वन दो कंडक्टर लेके, दो कंडक्टर से अपन कैपेसिटर बनाएंगे और उन कंडक्टर के शेप के बेसिस पे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर बनाएंगे, और उसमें सबसे स्टैंडर्ड, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल जो लैब में यूज होता है, तुमने 12th के अंदर पढ़ा होगा सबने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबने पढ़ रखा है ना? यस सर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इसको देखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल प्लेट यानी जो कंडक्टर है उसके अंदर मेटालिक प्लेट है और वो दोनों प्लेट्स को अपन ने पैरेलली प्लेस कर दिया, बस एज सिंपल एज दैट, कि मेटालिक प्लेट्स metallic placed plates are placed parallel to each other, as simple as that, कि दो parallel plates को अगर एक दूसरे के कुछ charge देके charge लिख लेता हूं ज्यादा आसान है, charged metallic plate कुछ charge देके उनको एक दूसरे के parallel place कर दो तो वो कैपेसिटर बन जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे बनेगा इसको समझते हैं, जैसे ये कोई अपने पास प्लेट है,
ये दूसरी प्लेट है, मैं थोड़ी दूर बना देता हूं, एक्चुअली तो इसका सेप इस कुछ इस टाइप का है, लेकिन अपन शॉर्ट में बनाने के लिए इसी टाइप से बनाते हैं। एक्चुअली तो प्लेट्स ऐसी होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये प्लेट्स है। अब अपन ने क्या किया कि एक को प्लस क्यू चार्ज दिया और एक को माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू और माइनस क्यू क्यों देते हैं अभी बताता हूं। एक को प्लस क्यू चार्ज दिया, एक को माइनस क्यू चार्ज दिया। अच्छा, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कंडक्टर है तो कंडक्टर के तो ओनली फॉर सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर तो चार्ज होता नहीं है। तो इन दोनों प्लेट्स की तो टोटल मिला के चार आउटर सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस, इसके बाहर वाली सरफेस। तो इस प्लस क्यू में से कुछ चार्ज यहां पे आएगा और कुछ चार्ज यहां पे आएगा। इस माइनस क्यू में से कुछ चार्ज यहां पे आएगा और कुछ चार्ज यहां पे आएगा। अच्छा, तो ऐसे तुम्हें निकालना आता है क्या कि अगर दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है, उनको अगर अपन कोई चार्ज दे दें तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ये निकाल सकते हो क्या तुम? बोलो, यस या नो बोल दो फटाफट। यस। कैसे निकालोगे? चलो मैं बताता हूं, इधर देखो। इन केस किसी को नहीं पता तो वो समझ सकता है, मैं सीधा शॉर्ट में बताऊंगा, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हारा काम हमेशा हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि इस प्लस क्यू में से एक्स चार्ज इधर इंड्यूस हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, एक्स इधर प्लस एक्स होगा तो इधर उतना नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। इधर प्लस एक्स होगा तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस क्यू टोटल चार्ज था, उसमें से माइनस क्यू इधर आ गया, तो इधर कितना बचेगा? माइनस क्यू माइनस माइनस ऑफ एक्स यानी प्लस एक्स आ गया। अब उसमें से एक्स इधर आ गया तो इधर कितना आएगा? क्यू माइनस एक्स। अब क्या करते हैं अपन, किसी भी पॉइंट यहां पे अंदर जो है, एक्चुअल डेरिवेशन तो ऐसे करते हैं कि यहां पे अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देते हैं, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ऐसा कुछ डेरिवेशन होता है। अपन डेरिवेशन में नहीं जा रहे। कभी भी अगर पैरेलल प्लेट्स है तो इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। और जो एक्सट्रीम आउटर सरफेस है, सबसे बाहर वाली जो सरफेस है, उनके चार्ज इक्वल कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी दिस क्यू माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू प्लस एक्स, देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी क्यू इक्वल टू एक्स। यानी ये पूरा का पूरा चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। यानी तुमने जो प्लेट्स को प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया था वो ओनली फॉर प्लेट्स के इनर सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे चार्ज बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? यस सर, आया। ठीक है, तो कुल मिला के अब मैं चलो ये रहने देता हूं मैं। अब यहां पे जो अपन तुमने प्लस क्यू दिया था वो यहां पे माइनस क्यू दिया था यहां पे, तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ईवन बोल देता हूं मैं, माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ई टू। तो नेट अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें देखने से पता चल गया कि प्लेट्स की वजह से, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मेरे को बताओ, कंडक्टिंग प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट्स कितना होता है बताओ? कंडक्टिंग प्लेट्स क्या सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है? यस सर। तो इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ई नेट आ गया।
वो आ गया ई वन प्लस ई टू, यानी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ गया क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर बिटवीन द प्लेट्स एग्जिस्ट करेगा, प्लेट्स के बाहर तुम लॉजिकली सोच सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आएगा जीरो आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड बाहर है, बाहर जीरो है, तो ओनली फॉर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए तो अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया था। अपना मोटिव ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो इन प्लेट्स के बीच में ही आए, बाहर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आए, और बाहर अगर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है क्या ओनली फॉर प्लेट्स के बीच में है? यस सर। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो होती है। अपने लास्ट देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखा होगा, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर प्लेट के बीच में, तो एनर्जी भी ओनली फॉर प्लेट के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि अपन ने प्लस क्यू और माइनस क्यू क्यों लिया था? हाँ सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस डी है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल सकता हूं प्लेट के बीच में, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेंसिटी। अच्छा, मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेंसिटी कैसे किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कॉन्स्टेंट था, वो कॉन्स्टेंट था, क्यू कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं डायरेक्टली पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूं, तो डेल्टा भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड q अपॉन a इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस d, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं, कैपेसिटेंस c हो गया q अपॉन डेल्टा v इक्वल टू q अपॉन डेल्टा v है मेरे पास 2 इनटू d अपॉन a इनटू एप्सिलॉन नॉट, टू से q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आ गया, कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है, d पता है, एप्सिलॉन पता है, a अपने को पता है, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है जरा बताना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 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 12
8.85 into 10 to the power minus 12 होती है। अच्छा यूनिट क्या होती है इसकी एप्सिलॉन नॉट की? अरे यूनिट क्या होती है? कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? जल्दी बताओ, देखो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट सर कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होती है? कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे सिंपल यार, कभी अगर ऐसे दिक्कत आए तो निकाल लो ना यार यूनिट, इतना क्या परेशान हो रहे हो। एफ क्या होता है मेरे को पता है कि क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ओके 5 मिनट वेट करो, लाइट आ जाएगी आई थिंक।